जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से धरने पर बैठे पहलवानों की मांग धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में FIR दर्ज कर दी ही गई है। वहीं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद शनिवार को एडहॉक कमेटी ने फेडरेशन का काम संभाल लिया है। इन कामों को देखते हुए भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। हमीरपुर में एक कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से अपील करते हुए कहा कि पहलवानों की मांग पर कमेटी बनाई जा चुकी है, उनकी बातें भी सुनी जा रही हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बनाई एडहॉक कमेटी रेसलिंग फेडरेशन का काम अब देख रही है। प्लेयर्स के ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली है और बयान ले रही है। पहलवानों को देश के कानून पर भरोसा रखना चाहिए और उन्हें धरना बंद कर देना चाहिए। वहीं इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह ने SIT के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी WFI विनोद तोमर के भी बयान दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवान के आरोपों की जांच के लिए महिला DCP की निगरानी में 10 सदस्यीय विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन भी किया है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण का 2 बार बयान दर्ज हुआ है। ब्रजभूषण ने अपनी सफाई में कुछ वीडियो सबूत और कुछ मोबाइल डेटा जमा करने की बात कही है। बहुत जल्द SIT दोबारा ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ कर सकती है।